नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं डिस्कशन कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी सीजीएल टायर वन का, 24 आवर्स पहले या बोल सकते हैं कि उससे एक दो दिन पहले और एग्ज़ाम के दिन 75 मिनट्स के दौरान उसको क्या करना चाहिए। ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस डाटा रिसर्च एनालिसिस, ये प्रेजेंटेशन आपके सामने डाटा के साथ में पेश करना चाह रहा हूँ और इस पर आप गौर कर सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये 24 आवर्स एग्जाम के साथ 75 मिनट, ये आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम, या बोल सकते हैं कि इन्हीं 24 घंटों में और जो 75 मिनट्स होगा वो अगले 60 साल क्या आपकी जिंदगी डिसाइड करेगा। इसका मतलब आज तक आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट टाइम शायद नहीं आया हो, आपने बहुत सारे और एग्जाम दिए, उन एग्जाम में और इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा फर्क है। क्या फर्क है कि ये एग्जाम आपके करियर को डिसाइड कर रहा है, 60 साल के आपको डिसाइड कर रहा है, आपकी नौकरी डिसाइड कर रहा है, और वो जो दूसरे एग्जाम थे वो आपके मार्क्स जरूर डिसाइड कर रहे थे, करियर भी हो सकता है डिसाइड कर रहे हो, लेकिन इतना इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा जो आप इस स्टेज पर पहुंचे हो लाइफ की 17-16 ईयर एजुकेशन करने के बाद और बहुत सारे अपने एग्जाम देने के बाद इस स्टेज पर पहुंचे हो। तो ये डेफिनेटली ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। इसका मतलब इस एग्जाम में जितनी कोशिश हो उसको बेस्ट यूटिलाइज, सावधानी बरतते हुए इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के ऊपर ही आपका, आपकी फैमिली का और आने वाले जनरेशन का भी इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो इसको हल्के में तो नहीं लीजिए, कम से कम जो सबसे जो आप पहले मैं डिस्कस करता हूँ कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट के सामने 24 आवर्स पहले खड़े हो जाते हैं या होते हैं या हो जाते हैं किसी कारणवश। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, शायद घबरा जाते हैं इस वजह से कि पता नहीं क्या होगा, और इस नर्वसनेस के चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और वो कोशिश करते हैं दुनिया भर की चीज़ें करने का, मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम। हो सकता है उसने पूरे साल तैयारी की हो, बहुत अच्छा लेवल डेवलप कर लिया हो, लेकिन अब आखिरी में वो इन सब लेवल पे पानी फेर सकता है अगर उसने सावधानी नहीं बरती। तो ये जो चीज़ें हैं उसके सामने चैलेंज आ रहा है कि वो सोचता है मैं सब कुछ पढ़ लूँ, और हमें ये देखते हैं कि आगे जब मैं बताऊँगा कि पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड, आप फॉलो करें या ना करें, मैं अपना व्यू प्रकट कर रहा हूँ, अपना विचार बता रहा हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस कैंडिडेट्स, और बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, मैं अपनी तरफ से जो आपको फीडबैक दूँ, आप उसको चाहें तो आपको समझ में आता है तो पालना कर सकते हैं उसकी। एक होता है कि दिमाग में फियर ऑफ फेल, एक ये भी जो चैलेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें करता है, साथ में एक ये भी होता है पता नहीं मेरा क्या होगा, नर्वस भी होता है, लेकिन एक दिमाग में उसके फेल होने की चिंता रहती है, मतलब कि नेगेटिव विचार आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ये कुछ एक स्टूडेंट के दिमाग में जरूर होता है, कुछ एक स्टूडेंट के दिमाग में एक्साइटेड होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्साइटमेंट ड्यू टू द एग्जाम एंड फियर ऑफ फेल ड्यू टू द एग्जाम, दोनों में डिफरेंस काफ़ी होगा। और जब इस तरह के हालात होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो वो कई लोगों से राय लेने की कोशिश करता है, या बिना राय देने वाले लोग भी बहुत होते हैं, बिना आप राय लेने की कोशिश नहीं करते, लेकिन आपको रिश्तेदार फोन करेंगे, आपके जिनको कुछ भी पता नहीं हो, ABCD भी पता ना हो इस एग्जाम की, वो भी लोग आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे, और इस चक्कर में इस गाइडेंस से आपको कई बार फ्रस्ट्रेशन होने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है इसको कुछ भी पता नहीं है फिर भी मुझे ये बता रहा है कि ये कर ले ये कर ले ये कर ले। और ये फेसबुक और बहुत सारे जो रिश्तेदार, इसको आपने इस दौरान ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश की तो ये गाइडेंस आपकी चारों तरफ घूम जाएगी, और आपको खुद अपने विचार क्या होने चाहिए इससे हटकर दूसरों के विचार क्या है
उसके ऊपर आपका फोकस चला जाएगा। नो ट्रस्ट इन सेल्फ, और आप अपने अपने आप को ट्रस्ट नहीं करोगे, बल्कि जो दूसरे बोल दिया उसने कि उससे पहले आप कुछ अलग अलग राय दे रहे हैं, उसको पालना बहुत जरूर से ज्यादा आपने स्टार्ट कर दिया, और इससे इस बात की संभावना हो सकती है आपका ट्रस्ट खत्म हो जाए अपने ऊपर, जो सबसे ज्यादा डेंजरस होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए कि मुझे ये एग्जाम निकालना है और मैं अपने हिसाब से चलूंगा। दूसरों की आप थोड़ी बहुत सुन सकते हैं, लेकिन सुनने भी उसी की जो एक्सपर्ट हो, और जो एक्सपर्ट बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं तो थोड़ा बच कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वो होते हैं जो कई बार एग्जाम खुद भी दे रहे हैं और वो खुद भी चुपचाप एग्जाम देख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं, और हो सकता है उनका टायर 1 भी क्लियर ना हो। एनीवे, प्रोसेस टू हैंडल एंड मेक इट, थोड़ा सा उस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या तरीका अपना सकते हैं कि जो ये 5-6 चैलेंज हमने डिस्कस किए हैं उनसे निपटा जाए, या जो 24 आवर्स का टाइम है उसको कैसे बिताया जाए। अगर चैलेंज ज्यादा नहीं है तो हम 24 आवर्स को कैसे बिता सकते हैं। नंबर 1, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको मान सकते हैं, आप 24 आवर्स पहले आप बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दें। इससे क्या होगा, जो दिमाग में अननेसेसरी बर्डन आपने डालने की कोशिश की और दिमाग को आपने फेटी करने की कोशिश की, एनर्जी का जरूरत से ज्यादा बर्न हुआ वहां पे, वो एनर्जी आपने कहीं से अक्वायर नहीं की, तो इस बात की संभावना है कि आपकी जो सोचने की जो क्षमता होगी, तीव्रता होगी, एकाग्रता होगी, वो कम होगी एग्जाम के टाइम में 75 मिनट्स में। तो आपका काम यहां पे एनर्जी को कंजर्व करना था, जिससे कि आखिर के मौके पे आप इसका यूज करें। आपने पूरे साल तैयारी कर चुके हैं, अगर आप पूरे साल भी तैयारी नहीं कर पाए ढंग से तो मुझे लगता नहीं है कि 24 घंटे से पहले अगर आप बहुत ज्यादा सारी चीजें पढ़कर आप इस एग्जाम को पार कर देंगे। तो आपने जितनी भी पढ़ाई की है, आप अपने दिमाग को मैनेज करना है, 75 मिनट्स को मैनेज करना है, आपको ज्ञान नहीं बढ़ाना है। आप काफी ज्ञानी है पहले से ही, ये मानकर चलिए। मेक चेकलिस्ट ऑन पीस ऑफ पेपर व्हाट यू हैव टू टेक इन एग्जाम और इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये मैं बोलूंगा कि इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ाई की चश्मा को घर भूल गए, फायदा क्या हुआ उसका फिर। आपने बढ़िया नोट्स बना रखे थे सारी साल, और आप जो कोई एडमिट कार्ड की ओरिजिनल जो कॉपी होती है आइडेंटिटी कार्ड की, आईडी प्रूफ या जो भी है, वो लेना भूल गए या फोटोकॉपी कराना भूल गए, और संडे को दुकानें बंद, अगर आपका संडे को एग्जाम है तो, अगर आपका मंडे को एग्जाम है तो इस दौरान कोई और छुट्टी या स्ट्राइक हो गई या आसपास कोई दिक्कत आ गई, तो आप पहले से ही तैयार कर लें जो चीजें आपकी 1-2 दिन पहले तैयार होनी चाहिए, और इसके ऊपर आप लिख लें कि कागज के ऊपर कि मुझे क्या क्या चीजें एग्जाम के दौरान चाहिएगी और मुझे किस चीज पे भूलना का खतरा है वो। क्योंकि जब आपने एक बार बैठकर लिस्ट बनाई आपने, उसके बाद जब आप ये 24 घंटे का टाइम है उस दौरान कुछ चीजें याद आएगी जो आप भूल गए थे इसमें, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। इस कागज पे लिस्ट बनाने का एडवांटेज क्या है, ए कि आपके दिमाग में एक ये चीज नहीं रहेगी कि मैं कोई चीज भूल रहा हूं, वरना एग्जाम तक भी जब आप जाते टाइम भी ये सोचते हैं कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही मुझसे, तो ये एक विचार डेवलप हो रहे होते हैं, और एग्जाम से ये 1 घंटा पहले काफी होते हैं कि मैं कहीं रह गया मेरा कुछ, वो चीज ना आए आपके दिमाग में। ये चेकलिस्ट का टूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपने जब ये बनाया उसके बाद भी कुछ टाइम था जो आपको याद करा रहा होगा, और आप उस टाइम में लिख सकते हैं, और एग्जाम के 3-4 घंटे पहले जब आप एग्जाम सेंटर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपका ये सारा व्यवधान खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका काम इस मुद्दे पे नहीं है कि मैं कोई चीज भूल रहा हूं, अब आपका काम पॉजिटिव वे में चला गया कि मुझे अब लड़ाई के लिए जा रहा हूं मैं, और मुझे जीतनी है जंग। दूसरी इंपॉर्टेंट, पहले तो क्या है कि ये आपको रिलैक्स करेगी, ये माइंड टेक्निक आप बोल सकते हैं। दूसरा, आप टाइम मैनेज आप बोल सकते हैं, भूलने से रिलेटेड कोई चीज ना हो इसकी टेक्निक आप, ये तरीका मैंने बता दिया। फिर है टाइम टू रिलैक्स, स्लीप, काम एंड पीस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कुछ स्टूडेंट के साथ में, कि जब अगले दिन एग्जाम होगा उस रात उनको नींद आने में दिक्कत होती है।
या वो इस तरह से कोई अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं दो तीन दिन पहले अपने टाइम को मैनेजमेंट या ज्यादा पढ़कर, जरूरत से ज्यादा पढ़कर, वो आखिर में सो नहीं पाते, उनको रात को नींद आती है, फिर चार पांच चार बजे और सात बजे उठ जाएंगे। फिर अब इसका मतलब दो तीन घंटे उस दिन सोए, पूरे साल आप दबाकर सो रहे थे, बारह बारह घंटा, कई बार तो सोलह सोलह घंटा सो रहे थे एक दो दिन तो ऐसा किया आपने, और जब एग्जाम का टाइम आया आपको दिमाग की जरूरत थी उस टाइम में कि आपको एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी आपने बिना सोए लगा दी। तो मेरा यहां पे मकसद पूरा ये कहने का कि आप पहले ही अपनी एनर्जी को कंजर्व कीजिए, आपको रिलैक्स टाइम टू आपका ये रिलैक्स करने का है, स्लीप करने का है, सोने का है, शांत इन्वायरमेंट चाहिए आपको चारों तरफ। आपको अपने जो दुनिया भर के फोन कॉल्स या बाकी चीजों से दूरी बना लेनी है इस दौरान, फोन कॉल्स, टीवी और बहुत सारे जो टीवी डिबेट, दो आदमी इधर कर दिए, दो आदमी इधर कर दिए, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, उनसे दूर रहिए। देयर इज नो नीड टू रीड न्यूज़पेपर, एक दो दिन पहले आप अगर छोड़ देंगे कोई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देयर इज नो हिंदू एडिटोरियल, हालांकि एसएससी में कभी आपको हिंदू पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तब भी आप क्लियर कर देंगे। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो भी आप उसको अवॉइड कर सकती है। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि एसएससी एग्जाम या आईएएस का एग्जाम नहीं है या बैंकिंग का एग्जाम नहीं है। बैंकिंग में आपको इस तरह के अखबार पढ़ने की जरूरत हो सकती है, आईएएस में जरूरत हो सकती है, एसएससी में सीधा स्टैटिक चीजें आती है। फिर एक कंजर्व एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले ही अगर नींद नहीं आ रही आप अंधेरा ढूंढ कीजिए, लाइट बंद कीजिए, आप लेटे रहिए, आपकी एनर्जी कंजर्व होगी और आपको नींद भी आएगी। लेकिन अगर आपने टीवी भी चला लिया, दो चार दोस्तों के फोन आ रहे हैं, फोन भी ऑफ है, ऑन है आपका, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं और आपकी चिंता बढ़ती जाएगी। फिर एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, वो आपको 75 मिनट में जितनी एनर्जी चाहिए वो नहीं लग पाएगी। टेक हॉट वाटर बाथ। अब आपकी जो नर्व्स हैं जो इस दौरान रिलैक्सेशन के लिए चाहिए थी, दर्द आप बोल सकते हैं बैठे बैठे रहने का, दिमाग पे जो रिलैक्सेशन है, अब आप रिलैक्स कीजिए, मालिश करवाइए या मालिश कीजिए, मसाज कीजिए सिर को और सिर पे, वो सारी चीजें अब आप कर कीजिए, जिससे कि दिमाग, आईज ओपन, आईज के ऊपर आप थोड़ा मालिश कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं, जिससे कि आईज अपने आपकी नॉर्मल सिचुएशन पहुंचे। ब्रेन, नेक, ये सब आपके ऐसे अंग है जो इस दौरान काफी दर्द महसूस कर रहे थे, आपकी तैयारी के दौरान उन पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा है, आईज पे, ब्रेन पे, नेक पे, क्योंकि आप कंप्यूटर बेस्ड तैयारी की होगी आपने और एग्जाम भी दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो देने चाहिए थे एनीवे। अगर जो स्टूडेंट आगे जिनका एग्जाम है 11 सितंबर के आसपास, 12 के या जो भी आगे है, वो जरूर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करें, तो इस दौरान जरूर आपको थकान हुई होगी। अब उसको मालिश करना या उसको रिलैक्स करना या उनकी सेवा करना उसका आपका कर्तव्य है, जिससे कि वो आखिरी दिन आपको फुल सपोर्ट करें। सो नो टीवी, नो म्यूजिक, नो मेनी फ्रेंड, नो फेसबुक, नो मोबाइल फोन, नो रिश्तेदार, जस्ट रेस्ट और कंजर्व एनर्जी, जिससे कि आप अपने आप को पूर्णतः तैयार कर पाओ। इस दौरान कुछ स्टूडेंट की आदत होती है र्यूमर्स फैलाने की, या कुछ एक वेबसाइट होती है, जो वेबसाइट फ्री होती है उनका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम आमतौर पे एडवर्टाइजिंग होता है, और अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा इसका मतलब कोई आदमी काम नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। प्रैक्टिकल बनने की ज्यादा जरूरत है कि कभी बिना सोर्स ऑफ इनकम काम नहीं कर सकता। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं, थोड़ा वो टेक्निकल नॉलेज होता है, वो साइट बना देते हैं, अब वो क्या करते हैं, अफवाहें छोड़ देते हैं कि वहां पे लखनऊ में पेपर लीक हुआ, पेपर लोगों को पहले ही मिल गया, सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर हैक हो गया, इस तरह की न्यूज फेंकेंगे, या फिर लिख देंगे आंसर की या जो भी है क्वेश्चंस लीक, और लिंक बना देंगे एडवर्टाइजिंग के साथ में, या आप उस पर क्लिक करेंगे वो आगे खुलता जाएगा, फिर उससे आगे खुलता जाएगा। इससे क्या होगा, उसका रेवेन्यू आ गया जिसको आपको फ्री लग रहा था। ऐसे यूट्यूब चैनल जो फ्री लग रहे हैं आपको, वो भी ऐसा ही घुमा फिरा कर रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, एक्चुअल में वो एक अलग तरह का बिजनेस है जो कि आमतौर पर स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं। एनीवे मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा एजेंडा यहां पे आपको रूमर से बचाना है, तो उन रूमर से बचिए, आप सब बंद कर दीजिए। आपको ये सोचना है कि मेरा एग्जाम न तो कैंसिल हो रहा, न कोई पेपर लीक हो रहा, न कोई सर्वर हैक हो रहा, सारी चीज
टू द पॉइंट से लेगी और मुझे एग्जाम देना है और 60 साल का इतिहास रचना है। आप इस पे चलिए, ये बाकी चीजों पर ध्यान मत दीजिए। व्हाट टू ईट, ये भी एक इंपॉर्टेंट आप इस नजरिए से है कि अगर आपका एग्जाम सेंटर थोड़ा ज्यादा दूर है और आपको एक या दो दिन पहले जाना पड़ रहा है, इस बात की संभावना हो सकती है कि आप उल्टा सीधा खा लें, तो ऑब्वियसली उल्टा सीधा खाने से अवॉइड करना चाहिए। एक तो ये चीज जो आप नॉर्मल खा रहे हैं, जितना हल्का खा सकते हैं, जितना सिंपल खा सकते हैं, सादा खा सकते हैं, आप उन्हीं पर डिपेंड रहिए। हाई फाई चीजें करने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक दिन में कोई ये सुमो पहलवान नहीं बनना है, यहाँ पे आपका एग्जाम काम एग्जाम देना है। नो हैवी आइटम, इससे आपके पेट पे या शरीर पे आपको नींद जरूरत से ज़्यादा या उस मोड में जा सकते हैं जहाँ पे आलसी टाइप का महसूस करेंगे आप, नींद आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, तो उस तरह के आइटम से बचिए। लाइट और एनर्जिक फूड लीजिए जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो, लाइट फूड हो, चाहे आप वो जूस हो या आप चाय वाली चीज़ें हो या ब्रेड हो या सिर्फ रोटी हो या दाल हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ लीजिए, या फिर थोड़ा बहुत बादाम वगैरह या इस तरह के आइटम आप खा सकते हैं जिससे कि एनर्जेटिक एनर्जी की चीज़ें मिलें। यहाँ इस स्टेज पे शायद कोल्ड ड्रिंक इतनी बुरी चीज़ नहीं होगी क्योंकि स्टिमुलस का काम कर रही है कोल्ड ड्रिंक, तो हो सकता आपने अगर आप ज़्यादा नहीं पी रहे, थोड़ी बहुत भी पिए, तो यहाँ पे कोई नुकसानदेह वाली चीज़ मुझे लगता नहीं है कि होगी क्योंकि वो स्टिमुलेंट प्रोवाइड करेगी, स्टिमुलस होगा। स्लीप तो करनी है, ऐसा कोई ज़्यादा आइटम नहीं खाइए एग्ज़ाम से पहले, कोई ऐसी चीज़ कि एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचे और वहाँ जाते थोड़ा सा झटका सा आना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा दूध दही लस्सी वाला आइटम कर देते हैं और लस्सी पी कर चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो छाछ जिसको बोल रहे हैं उससे नींद आने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, या बाजरे की रोटी आपने खा ली उससे संभावना ज़्यादा हो सकती है। ऐसा कोई आइटम जो कि ज़्यादा हैवी हो गया है, आपको अपने आपको वहाँ पे ऐसा महसूस कराना है कि बिल्कुल आपका आलस नहीं होना चाहिए, न नींद की संभावना हो, ये बहुत ज़्यादा होगा, माइंड अलर्ट होना चाहिए 75 मिनट्स के दौरान। 4 आवर्स बिफोर एग्जाम माइंड आपका उस स्टेज पर, अब रिलैक्स हो चुके थे आप, अब आपका काम रिलैक्स होने के बाद, रेस्ट होने के बाद, नींद होने के बाद और खाना भी आप खा चुके हैं 4 घंटे पहले कम से कम, क्योंकि अगर आपने बहुत नज़दीक एग्जाम के खाना खाने की कोशिश की तो नींद आने की संभावना ज़्यादा होगी, या आपका नींद आने का मतलब यहाँ पे मेरा कि एग्जाम में आप 100% अलर्ट नहीं हो, एग्जाम में 100% अलर्ट नहीं हो, अलर्टनेस का ये एग्जाम है। आमतौर पर नॉलेज बहुत ज़्यादा डिफरेंस शायद न हो, लेकिन जो लेवल ऑफ हैबिट और अलर्टनेस ऑफ माइंड ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, तो आप उसी अनुसार अपने आप को ढालिए। टेक स्टिमुलेंट बिफोर एग्जाम, यहाँ पे मैं आपको ज़रूर ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जब एग्ज़ाम है मान लो आपका 9 AM या जितने भी बजे 10 AM, आप उससे पहले आपको एक घंटा पहले आप वहाँ पे जा रहे हैं सेंटर पे, उससे ठीक आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले आप ज़रूर चाय, जो आपके हैबिट के अनुसार है, कॉफ़ी, या फिर जो कुछ बच्चे हैं वो स्टूडेंट हैं सिगरेट पी रहे होंगे, बीड़ी पी रहे होंगे, यहाँ पे शायद ही कोई आपने को इस तरह का एडवाइस दे रहा हो जो कि आप बीड़ी पीने के लिए सिगरेट पीने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे तजुर्बे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपकी आदत है, अब आपको कि मैं सिगरेट नहीं पीता ये ग्रेट बनने का टाइम नहीं है, आप बाद में छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप पी रहे थे तो इस दौरान आपको स्टिमुलेंस प्रोवाइड करेगा निकोटीन, दैट इज गुड। टी है वहां पे भी स्टिमुलस आपको प्रोवाइड करेगा, स्टिमुलेंट होंगे उसमें, कॉफी में भी होंगे, जो ये निकोटीन या फिर जो बाकी इस तरह की जो चीज़ें होती है जो आपको स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, ये क्षणिक होते हैं, लेकिन आपको क्षणिक ही चाहिए। यहाँ पे आपकी ऊर्जा एकदम अलर्टनेस ऑफ माइंड ये आपको हेल्प करेगा, तो आप इसका एक घंटे पहले एग्जाम के, क्योंकि आपको एक इमीडिएटली तो पीने नहीं देगा कोई, क्योंकि वहाँ 1-1.5 घंटे पहले जाना ही आपको, उससे पहले आप ज़रूर अपने आपकी तैयारी इन चीज़ों की भी होनी चाहिए, आपको फायदा होगा। अब आपका माइंड हमने तेज करने की कोशिश की, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके अनुसार कि आपको लगभग 24 घंटे या 1-2 दिन पहले क्या करना चाहिए,
खाना किस तरह का हो, नींद क्यों होनी चाहिए, पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों रोल अदा नहीं करेगी, अब दूसरी चीज़ें क्यों डोमिनेट कर रही है, ये सारी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की। और अब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच चुके हो, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचा दिया है, अब आपको मेरा बेस्ट विश बोलने का टाइम आ गया है। मैं आप सभी को इस मौके पे शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये एग्ज़ाम न सिर्फ अच्छा हो बल्कि पूरे 60 साल आगे का जो करियर बनना है उसके लिए ये मील का पत्थर साबित हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री करनी है, सभी जो आइटम जो चेकलिस्ट आपके पास थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको आप दोबारा चेक कीजिए कि कोई आइटम आपसे मिस नहीं हुआ है, मिस नहीं हो रहा, जो सेंटर पे अब आगे अब सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस दौरान सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एग्जाम सेंटर पे हैं, आपके आसपास कुछ चीज़ें बेचने वाला भी हो रहा है, आपका कई बार दिमाग हो रहा है कि मैं कुछ खरीद लेता हूँ, या सिक्योरिटी गार्ड है आपको बोलता है कि जूते निकालिए, जुराब निकालिए, सब कुछ निकालिए। कई बार इस तरह की चीज़ें आ जाती है दिमाग में कि कन्फ्रंटेशन की संभावना हो सकती है। तो मेरा सबसे जो यहाँ पे एडवाइस है, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस, कि आपको कोई थप्पड़ भी मारे तो बर्दाश्त कीजिए। आप यहाँ पे आपका काम है बर्दाश्त करना चीज़ों को, अब आपको रिएक्ट नहीं करना है, कन्फ्रंटेशन की नौबत नहीं आनी है, झगड़े की नौबत नहीं आनी, क्योंकि ये इससे आपको भारी नुकसान होगा। आप जितने एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे फैलाएंगे आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो अगर वो जुराब निकालता है, जुराब निकालने के लिए बोलता है, कपड़े निकालने के लिए बोलता है, जो भी उसका रूल है रेगुलेशन के अनुसार आपको बोल रहा है वो, आप उसको पालना कीजिए, उसके साथ बहस मत कीजिए, नंबर वन। दूसरी बात, क्या आपको पानी ले जाना चाहिए? आपको अगर पानी की बोतल अलाउड कर रहा है वो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, और ऑब्वियसली वो पानी की बोतल अवॉइड करेगा, वाटर बोतल आपके पास होनी चाहिए इस दौरान। याद रखिए वाटर बोतल है, कई बार आपको हेल्प करेगी। पानी अंदर किस कहाँ पे होगा, पानी टंकी नहीं होगी, या कहाँ पे आपका सेंटर है उस पर क्या फैसिलिटी है, इस पर क्वेश्चन मार्क जरूर हो सकता है। तो पानी की बोतल जरूर रखिए, ये आपको हेल्प करेगा। आमतौर पे जब आपके यहाँ पे बाय चांस कन्फर्टेशन हो जाता है तो जो पानी या बाकी इस तरह की चीज़ें होंगी आपको रिलैक्स करने में हेल्प कर सकती है, आपका ध्यान हटाने में हेल्प कर सकती है, जो नेगेटिव एनर्जी चली गई थी। तो यहाँ पे वाटर बोतल आपको काम आ सकती है गलती हो गई तो। और पानी इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी के रूप में, वैसे तो एनर्जी नहीं देता लेकिन वो रिलैक्स जो आपको एक दिशा प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जरूर होनी चाहिए आपके पास बोतल। थिंक रिसेंट पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग इवेंट्स, लाइक जब आप एग्जाम की तरफ जा रहे हैं आप किस क्या सोच रहे होंगे, आप उस दौरान कोई भी नेगेटिव चीज नहीं सोचेंगे। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और वो सिर्फ अचीवमेंट की सोचेंगे, पॉजिटिव भी और वो भी अचीवमेंट की, आपका ध्यान पिछले एक दो महीनों में वो चीज़ जो आपको, अगर किसी ने आपको ये बोला कि आपका एग्जाम आपने बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका मैथ बहुत अच्छा है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी, या कोई भी किसी ने पॉजिटिव आपके बारे में बोला है, उसको याद कीजिए, क्योंकि ये टाइम अब आपको वो है जो आप सेल्फ मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ इवेंट याद कीजिए जो हाल फिलहाल में हुए होंगे, जैसे कि साक्षी मलिक जो अभी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है वो आखिर तक हार रही थी, और सोचिए कि 12 साल से वो जिस काम के लिए वो लड़ रही थी वो आखिर के 12 सेकंड पूरी जिंदगी उसको बदल देते हैं। अगर उसको ब्रॉन्ज मेडल नहीं आता तो शायद कोई नहीं पूछता, लेकिन सोचिए कि वो 12 सेकंड उसकी लाइफ को कितना चेंज कर देते हैं। ये एक न सिर्फ अचीवमेंट है आपके लिए, मोटिवेटिंग इंसिडेंट है, आप इवेंट को मानिए, घटना है। वैसे ही आपने देखा होगा पीवी सिंधु वर्ल्ड की नंबर वन खिलाड़ी से मुकाबला कर रही है, और हालांकि जीती नहीं लेकिन आखिर तक बार बार कम बैक करने की कोशिश हो रही थी और फिर भी सिल्वर मेडल आया। ये एक अचीवमेंट, न सिर्फ अचीवमेंट बल्कि मोटिवेटिंग और एक इंसिडेंट है। आप इस तरह की घटनाओं से घिरी है उस टाइम में जब आप सेंटर पे एंट्री कर रहे हैं। इस दौरान आपके पांव में चलने की जो चाल है वो भी चेंज हो जाएगी, चाल में तेजी आएगी, एनर्जेटिक एनर्जी होगी और आप प्राउड फील करेंगे, और सेंटर के जाते घबराहट नहीं आएगी आपके अंदर, आप
कन्फ्रंटेशन की संभावना भी खत्म होगी, क्योंकि जब आदमी मोटिवेट होता है तो लड़ने की संभावना उसकी कम होती है किसी के साथ में। वो माफ करने की संभावना ज्यादा डर होती है, माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है, लड़ने वाला छोटा होता है। तो उस तरह के विचार से आप घिर जाएंगे तो इससे आपका वहां पे जो एंट्री के टाइम में और 75 मिनट्स के प्रति जो रुझान होगा वो बहुत ही सकारात्मक होगा। आप बहुत ही शांत, बहुत ही मोटिवेटिंग उस 70 जाकर आप अपने चेयर पे बैठते हैं, वहां पे इस कंप्यूटर के सामने, स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। अब इस दौरान अगर आप रिलीजियस प्रवृत्ति के हैं और किसी गॉड में, हनुमान में, शिव जी में, पार्वती में या फिर दुर्गा में, जहां पे या नमाज पढ़ने में या जो भी आपका अगर विश्वास है जिसमें आप उसको याद कर सकते हैं इस मौके पे और आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप रिलीजियस प्रति नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने ऊपर भी वही चीज सोची है जो कि आप नीचे में इनडायरेक्टली आपको बोल रहा हूं। तो अब आपके सामने सारी पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो गए, पॉजिटिव एनर्जी हो गई है। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी सारी साल की जो मेहनत है उसके ऊपर भारी पड़ेगी। अब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब एंट्री हो गई है, आप जहां पे स्क्रीन पे बैठे हैं, सर्वर यहां पे चैलेंज आ सकते हैं जो आपको ओवरकम करने हैं। सर्वर नॉट वर्किंग वेल, आपको रिलैक्स रहना है, नुकसान नहीं होगा आपका, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं। एसएससी ने भी एक हाल ही में वीडियो जारी किया और हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है कि अगर स्टूडेंट का कोई टाइम वेस्ट होता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, उसको पूरा टाइम मिलेगा। तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं इस मौके पे। दूसरी बात, नेगेटिव सोचना नहीं है आपको, ये एक हाईली एडवाइजेबल थिंग है कि आपको टाइम पूरा मिलेगा। क्वेश्चंस नॉट कमिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन ऑन स्क्रीन, या मुश्किल आ रहे हैं, आसान आ रहे हैं, या सर्वर है वो हैंग हो रहा है, इस बात की संभावना हो सकती है कि बहुत सारे स्टूडेंट देंगे सर्वर में क्वेश्चन फटाफट नहीं आ रहे, आप फ्रस्ट्रेट महसूस करना स्टार्ट न करें, क्योंकि आपको अभी पॉजिटिव जो एनर्जी दी है वो ये बात को बोल रहा है कि आपको सारी तरह की चीजें को पॉजिटिव लेना है। अगर सर्वर हैंग हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपको ये कि सबका हो रहा है, आप इस नजर से भी सोच सकते हैं, तो वो कंपेरेटिव चीज होगी, तो इसलिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। वैसे पॉजिटिव माइंड बनाकर रहना है। पैटर्न इन योर माइंड डिफरेंट, आपके दिमाग में कुछ डिफरेंट पैटर्न था, वहां पे एग्जाम में कुछ और मिल गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव लीजिए कि मुझे इससे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर वो सबके सामने वो चैलेंज आया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन मैथ का आया, मुश्किल क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जीके, बहुत मुश्किल क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इंग्लिश का पैराग्राफ, आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा और दो क्वेश्चन आप पहले ही छोड़ चुके हैं या नहीं आ रहे, टाइम खराब कर दिया, आपने सोचा कि मैं छोड़ देता हूं, फिर रीजनिंग सीरीज क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, तो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं पहले 5-10, और वो क्वेश्चन है वो कुछ एक दो गलत भी है उसमें, ऐसी आपके सामने सिचुएशन आ गई है। तो आपको क्या करना है, माइंड को वहीं पे शांत रखना है और आप चलते रहिए, आपको जो चीज नहीं आ रही है छोड़ते रहिए, जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, 100 में से 8-10 क्वेश्चन मुश्किल हो सकते हैं या ज्यादा ज्यादा 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको 100% आ रहे होंगे अगर आपने ढंग से तैयारी की है। तो आप उस क्वेश्चन का वेट कीजिए जो आपको आ रहा हो, वहां पे चलिए आप, और इस बात बात पे मत सोचिए कि मैं मैथ में ज्यादा स्ट्रांग हूं, मुझे जीके करना है, ये करना है, आप चलते रहिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन रीजनिंग है आ गया है, रीजनिंग अगला मैथ का आ रहा है, अगला इंग्लिश का आ रहा है, कुछ भी आ सकता है कोई भी रेंडमली, या सेक्शन वाइज आता है, इस बात की संभावना भी हो सकती है सेक्शन वाइज आए, सेक्शन वाइज में भी यही एक सिचुएशन आ सकती है कि पहला क्वेश्चन मैथ है वो गलत, दूसरा क्वेश्चन है वो उसके ऑप्शन नहीं मैच हो रहे जो आपने दिया, थर्ड क्वेश्चन बहुत मुश्किल, तो ऐसा हो सकता है। आप चलते रहिए, आप रुकिए मत, चलते रहिए, परेशान मत होइए, आपको भी आसान क्वेश्चन होंगे जो आपको आ रहे होंगे, और मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं ये जो आपको परेशानी मैंने बताई आपको किसी भी पैटर्न पे, जो सेक्शन वाइज 25 वाले क्वेश्चन हो या रैंडम क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, वो सिर्फ 5-10 क्वेश्चन ही होते हैं जो परेशान करते हैं, और बाय चांस कई बार पहले जो टकराव पहले हो जाता है उन क्वेश्चन का, तो वो फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, वरना आप शांत रहिए, पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा, डिस्टर्बेंस मत कीजिए, प्रवोक मत होइए, हैंडल कीजिए, अटेम्प्ट इजी एंड डूएबल क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कीजिए जो कि आप कर सकते हैं या आपको आते हो और इजी हो, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, दोबारा आ सकते हैं, लीव इफ यू आर टेकिंग मच टाइम,
जरूरत से ज़्यादा 20-30 सेकंड के बाद भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है इसका, तो आप छोड़ दीजिए इसको। छोड़ना आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। आइडेंटिफाई ट्रैप क्वेश्चन एंड कैन रिविजिट इफ टाइम लेफ्ट। ट्रैप क्वेश्चन मीन्स कि जो आपको आसान सा लग रहा हो लेकिन कहीं कहीं इस बात में भी दिक्कत आ सकती है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है या कुछ और है, लेकिन स्टेटमेंट ऊपर से बहुत आसान है, हल्की सी ट्विस्ट कर दिया उसने, तो ट्रैप क्वेश्चन है। आप 2-4 क्वेश्चन इस तरह से जरूर होंगे जो कि ट्रैप क्वेश्चन होते हैं, जिसपे स्टूडेंट बाद में बोलते हैं कि गलती से गलती हो गई, या ओहो कुछ आंसर कुछ और था, मैंने टिक कुछ और कर दिया, तो ये ट्रैप क्वेश्चन उनको बोलते हैं। उस पर आप बच कर रहिए, जो ट्रैप क्वेश्चन को हैंडल कर लेगा, हालांकि उसको आते होते हैं लेकिन वो ट्रैप क्वेश्चन को राइट आंसर पे टिक किया तो ये सक्सेस की तरफ काफी तेजी से बढ़ गए। फर्स्ट स्टेप टायर वन है। एक चीज और दिमाग में रखिए कि जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात, जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है लेकिन ये सिर्फ स्टेप वन है। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कर पाए तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आपके माइंड में एग्जाम के टाइम में कि आपको पहले तो कट ऑफ क्वालिफाई कर रही है। कई बार ये देखा है मैंने कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो 140 या इस तरह के टारगेट रखता है माइंड में और वो टायर वन भी ये कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि वो लड़खड़ा जाता है, उसको अपने से ही एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है एग्जाम में कि जब 2-3 क्वेश्चन उसके गलत होते हैं तो वो लड़खड़ाना स्टार्ट हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, हाथ पांव फूल जाते हैं उसके और उसको समझ में नहीं आता क्या करूं। इस चीज को रोका तब जा सकता है जब सिर्फ आप मॉडरेट टारगेट रखें कि पहले मैं पहली सीडी क्रॉस करूं इस एग्जाम में, और पहले सीडी है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 100 मार्क्स के आसपास जाती है। चाहे आपका कितना ही आसान एग्जाम हो, ज्यादा से ज्यादा 2-4 नंबर का फर्क होता है, क्योंकि जो आसान भी होगा तो बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा, ज्यादातर लोग तैयारी नहीं करते, और बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो वो 80-90 की तरफ आपको ले जा सकता है। तो 5-10 का वेरी इधर उधर आप रख सकते हैं, लेकिन 100 मार्क्स का टारगेट रखिए पहले। जब आप वो सीढ़ी क्रॉस करते हुए नजर आए तो आप तेजी से आगे बढ़िए कि मुझे अगला टारगेट जो 140 का रखा है उसको, वरना 140 का आपने दिमाग में बैठा लिया, प्रेशर की वजह से पता चला 100 वाला भी क्रॉस नहीं हो पाया, क्योंकि एग्जाम प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है और जब रियल लाइफ में आप मॉक टेस्ट देते हैं वो एक डिफरेंट होता है। ये हकीकत है, इसको स्वीकार करें। डोंट टारगेट वेरी हाई मेंटल प्रेशर, बट वर्क क्वेश्चन वाइज। क्वेश्चन जैसे आता है उसको आंसर उसके रिस्पेक्ट कीजिए, मुश्किल है रिस्पेक्ट कीजिए, छोड़ सकते हैं, आसान है कर दीजिए, इस तरह से करेंगे 100 मार्क्स तक जब आप पहुंच जाएंगे आपको थोड़ा अंदाजा होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है, अब तेज आप बहुत तेज गति से आगे बढ़िए क्योंकि रिस्क खत्म हो चुका है। ये 75 मिनट का एग्जाम है, वो सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है। ये 75 आप कैसे मिनट को मैनेज करेंगे, ये मेंटल गेम, ये आपकी हैबिट का गेम, ये आपके नर्वस सेंटर होता है उसका गेम, टाइम मैनेजमेंट का गेम, ये सारी चीजों का एक्चुअल में एग्जाम है। ट्राई टू रीऑर्गेनाइज आफ्टर एवरी 25 मिनट्स। जब आपके 25 मिनट जाते हैं राइट स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे टाइम वॉच भी चलती मिलेगी आपको, वहां पे देखिए कि जब 25 मिनट हो जाते हैं तो कोई आपसे कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से कि आप 10-15 सेकंड है ले सकते हैं अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का। जैसे खिलाड़ी होते हैं वो जिस कोई भी बैडमिंटन हो या कोई भी है तो उनको टाइम वर्क मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है जिसकी वजह से वो अपने आप को रीअलाइनमेंट कर सकता है और उसके बाद बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी से काम कर सकता है वो। जैसे हमने जो अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक गेम हुआ है, वो साक्षी मलिक का हो या पीवी सिंधु का, तो अपोनेंट ने या फिर जो खिलाड़ी है इंडियन ने, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी में काफी चेंज भी किया था। जैसे हमने पीवी सिंधु के केस में जो अपोजिट प्लेयर है वो फर्स्ट गेम हारने के बाद सेकंड गेम ने बहुत आसानी से जीत पाई, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रेटजी में 10-15 सेकंड के अंदर ही बहुत सारे चेंज ले आई थी। तो वो आप कर सकते हैं, जिससे कि गलती हो रही हो तो वहीं पर करेक्ट हो जाए, आखिर तक नहीं चले वो। क्वेश्चन कैन बी रैंडम और सेक्शन वाइज भी हो सकते हैं, रैंडम होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप देखिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आखिरी जो टेस्ट बन रहे हैं 95, 96, 97, 98 या 9900, वो सारे रैंडम क्वेश्चन है, उसमें सेक्शन वाइज कुछ नहीं है। आप वो भी कीजिए, और सेक्शन वाइज इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन भी तो आने चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आपको ये पता है कि एग्जाम कैसे मैनेज करना है लेकिन क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, फिर भी कोई फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन भी आने चाहिए। इसलिए टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करें, मॉक टेस्ट, रीजनिंग में आप टाइम निकालिए 15-20 मिनट के आसपास आप रीजनिंग को दे सकते हैं 25 क्वेश्चन करने के लिए, डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेकिन फिर भी आमतौर पे
आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, इंग्लिश को 12-15 से लेकर 15 मिनट तक दे सकते हैं, 15 मिनट आप टाइम दे सकते हैं, जीके को 8-10 मिनट दे सकते हैं, मैथ को 30-35 मिनट दे सकते हैं। मोटे तौर पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, 5-7% का वेरिएशन हो सकता है टाइम गेम में, टाइम फ्रेम में, लेकिन आप अपनी जो स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट के अनुसार डेवलप की है आप अपने ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कीजिए, आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब जैसे थोड़ी देर पहले और आमतौर पर स्टूडेंट में को सबसे बड़ी ध्यान रखने की जरूरत यह है कि 2 या 3 क्वेश्चन भी वो गलत कर देता है बाय मिस्टेक, तो सोचिए 2 क्वेश्चन से 5 नंबर का फर्क पड़ता है, 1 क्वेश्चन 2.5 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करेगा, और अगर ऐसा 4 कर देता है वो तो 10 नंबर हो, और 10 कर देता है 25 नंबर। अगर कोई 10 मिस्टेक करता है और 25 नंबर का डिफरेंस क्रिएट कर देता है, 25 नंबर कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उसकी लाइफ में। फ्रैक्शन आप सोचिए कि जो 0.25 ये नंबर है उनकी वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट इधर उधर हो जाते हैं, तो जो 2-4 क्वेश्चन गलत करने का, गलती से गलत जिसको बोल रहे हैं आप, ये गलती से गलत स्वीकार नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा आप माइंड लगाइए कि आप अपनी गलतियां कैसे सुधार सकते हैं जिससे कि जो अनफोर्स्ड एरर हैं वो न हो ज्यादा, उस पर देखिए। अब मैंने जो पिनेकल का पोर्टल है, हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल से किसी का ये मैंने उठाया है टेस्ट, किसी लड़की का ये उठाया है कि उसने जो टेस्ट, कुछ एक टेस्ट इसमें लिख रखे हैं, जो और भी टेस्ट दिए हैं उसने, लेकिन वो जब उसका स्कोरिंग देखिए इसमें 24 रॉन्ग, इसका मतलब वो लगभग अगर 9 क्वेश्चन करती या 8 क्वेश्चन करती है तो 6 ठीक, और आप बोल सकते हैं कि लगभग 3 क्वेश्चन रॉन्ग। अगर आप इतनी ज्यादा गैप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम दूर जा सकते हैं। आपकी जो एरर है 10% से ज्यादा होती है, 10% होती है वेरी गुड, अगर आपकी 20% से ज्यादा हो रही है तो इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकती है। 20% का मतलब 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं, इससे ज्यादा ऊपर जाते ही, ये तो काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है यहाँ पे मामला, तो प्रॉब्लम में आ सकता है। इसका मतलब उस दौरान आपने 4-5 क्वेश्चन में जरूर अनफोर्स्ड एरर किए होंगे और वो रोके जा सकते थे। इसका पता कैसे चले और इसको रोके कैसे, इसके लिए आपको रिसर्च करने की जरूरत होगी, क्योंकि हर जो इंसान है वो एक डिफरेंट तरीके से माइंड गेम चलाता है, और वो अपना रिसर्च अगर खुद करे, टिप्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहां पे टिप्स दे रहा हूं कि कैसे वो अपने आप को रिसर्च करे, जब वो दे रहा होगा तो उसको खुद पता होगा इस दौरान कि मैंने किस मौके पे इसको आंसर को टिक किया था। तो एक पोर्टल में जाइए पिनेकल के, इस तरह से आपको नजर आएगा कि आपने जो टेस्ट किया किसमें ज्यादा है। अब 4-5 या 7-8 टेस्ट उठाइए अपने जिसमें ज्यादा एरर कर रखे हैं आपने, अब उस क्वेश्चन पेपर पे यहां पे क्लिक कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने यहां पे क्लिक किया है और अगली स्लाइड आई है, ये ऐसे आएगा आपके सामने नजर। अब मैंने कुछ क्वेश्चन उठा दिए उसके, ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है ये जीके के क्वेश्चन है और ये फिर मैथ के क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पे क्या किया इसने, यहां पे इस क्वेश्चन को छोड़ा है, यहां पे गलत किया, शायद उसको पता नहीं होगा आंसर का। फिर क्या हुआ, एक क्वेश्चन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा, अब उसने छोड़ दिया उसको। जब वो तीसरा क्वेश्चन अगला आया, अब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया होगा मेरे ख्याल में कि अब सारी कैसे छोड़ सकती है, तो उसने न आते हुए भी निशान मारा, क्योंकि टाइम भी उसका इंडिकेटर, ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहा है, अब ये आ रहा है। आप जो पिनेकल पोर्टल में जाओगे तो वहां पे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करता है पिनेकल पोर्टल की सॉफ्टवेयर है कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है और वो टाइम लगाने के पीछे क्या रीजन था उसका। अब ये एनालिसिस कीजिए, कुछ स्टूडेंट एनालिसिस करते हैं कि मेरी रैंक क्या है, भाई ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, इसमें एनालिसिस वाली क्या बात है, अगर 110 आ रहा है तो इसका मतलब टायर 1 तो क्लियर हो जाएगा लेकिन आप थोड़े दूर हो, 140 आ रहा है बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप रैंकिंग ऐसे से देखने का कोई एनालिसिस बनता नहीं है। एनालिसिस बनेगा जब आप ये देख ले और उससे रिमूव कर पाए कि मैं गलती कैसे दूर कर सकता हूं। यहां पे एक इंडिकेट मिल रहा है कि स्टूडेंट प्रेशर में आ गया कि उसको जबरदस्ती टिक मारना पड़ा, और अगले फिर में और ये इंडिकेट क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन उसने फिर टाइम लिया अगले क्वेश्चन में ताकि उससे गलती ना हो जाए, आ रहा नहीं आ रहा, इस बार उसको हो सकता आ रहा हो या उसने टाइम भी लिया लेकिन ठीक लगाया क्लिक, ठीक है, लेकिन यहां पे उसको शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ नहीं रहा होगा, जबरदस्ती उसने टिक मारा है प्रेशर में आकर। ऐसे ही अगर हम देखें यहां पे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीडबैक आ रहा है, इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने 5 मिनट लगा दिए इस लड़की ने,
और हालांकि उस वो स्कोर अच्छा कर रही है, लगभग 130 140 110 120 के आसपास उसकी रेंज में जा रहा है, और आमतौर पर ऑनलाइन टेस्ट में हल्की सी जब आपके ध्यान ना हो तो फ्लक्चुएशन बहुत होता है स्कोर में, तो वो फ्लक्चुएट भी हम देख रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट की खास बात कि आप जब 100% कंसंट्रेशन के साथ में नहीं है तो जबरदस्ती टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे ही दिक्कत आ सकती है फ्लक्चुएशन की। यहां पे उसने अटेम्प्ट किया लेकिन 5 मिनट लिए, मेरा यह बोलना है कि उसको 5 मिनट देने बजाय 30 सेकंड में तक डिसाइड हो सकता था कि वो कर सकती है नहीं कर सकती है। अगर वो नहीं कर सकती है तो उसको सहर्ष हैप्पीली अगले क्वेश्चन पे जाना चाहिए था। अब देखिए यहां पे वो 5 मिनट लेती है, लगभग 4 मिनट के आसपास होता है, यहां पे भी 4-5 मिनट के आसपास होता है। इस दौरान 10 मिनट गए हैं और दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए। मेरा ये बोलना है कि शायद इतनी जरूरत नहीं थी टाइम लगाने की, अगर वो टाइम इस पे कम लगाती तो जो अनफोर्स्ड एरर बाकी क्वेश्चन में थे वो रोक सकती थी, और अगर वो 2-3 भी अगर रोक देती थी तो 10 नंबर फर्क पड़ सकते थे उसको, क्योंकि अगर मान लो 4 क्वेश्चन में 24 उसने इनकरेक्ट किया, 4 क्वेश्चन को रोक सकती थी तो 10 नंबर का फर्क पड़ता, और 10 नंबर का मतलब कि 10,000 से स्टूडेंट वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया उसने। तो ऐसे ही देखिए यहां पे भी वो 3 मिनट लगा रही है और उसके बाद अटेम्प्ट नहीं हुआ है क्वेश्चन को। अच्छी बात यह है कि वो गलत नहीं किया कम से कम 3-4 मिनट लगाने के बाद में, गलत बात थोड़ी बहुत यह हो सकती है कि उसने ज्यादा टाइम ले लिया डिसाइड करने में शायद। मेरा यहां पे मकसद यह है कि आप इस स्लाइड को या इस जो सॉफ्टवेयर में टेस्ट पोर्टल में जो ये वाले जो चीजें है ना उसको आप टॉप आपकी सबसे ज्यादा 5 एरर हो रहे हैं वो टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। उस स्टूडेंट को यह जरूर पता होगा मैं इस दौरान क्या सोच रहा था, अभी मुझे यह पता नहीं है वो क्या सोच रहा होगा, मैं सिर्फ गैस कर सकता हूं, लेकिन उसको जरूर पता होगा। इसका मतलब जब वो 24 क्वेश्चन इनकरेक्ट किया, वो क्या माइंडसेट है उसको, जब वो 5 सेट में ऐसे उस पर एनालिसिस होगा तो उसके माइंड में एक पिक्चर जरूर बन जाएगी कि किस वजह से उसके गलत हो रहे हैं या किस वजह से अनफोर्स्ड एरर हो रहे हैं, और इस तरह की एनालिसिस के बाद 4-5 क्वेश्चन 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि डिफरेंस आएगा, अनफोर्स क्वेश्चन रुकेंगे, अनफोर्स एरर रुकेंगे, और उससे 10,000 स्टूडेंट आगे पीछे हो सकते हैं। अब एग्जाम दे चुके हैं आप, मैंने स्ट्रेटजी भी बताई कि अनफोर्स्ड एरर को ज्यादा जोश में आकर गलत मत कीजिए, शांत रहिए, कोई नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब आपके 75 मिनट जा चुके हैं, अब आपका टाइम है रिलैक्स करने का, रिलैक्स कीजिए, आप पार्टी कीजिए, पार्टी कीजिए, घूमने जाइए 1-2 दिन रिलैक्स टाइम। और इस दौरान जब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 75 मिनट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ए कि नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने थे वहां पे, अगर आपके हॉल में मान लो 100 है या आपके लैब में 25 बंदे का कैपेसिटी है, कितने एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट थे, कितनी लड़कियां थी, कितने लड़के, क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस तरह क्वेश्चन आए मैथ के, हालांकि 25 क्वेश्चन आने हैं, किस रेंज में आएंगे उसका अभी जब टेस्ट देगा स्टूडेंट तभी और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, कौन से क्वेश्चन आए जीके में, कौन से क्वेश्चन आए मैथ में, कौन से क्वेश्चन आए, और आपने कितने करेक्ट किए, क्या आपको लग रहा है कितना स्कोर होगा, ये सारे जो चीजें हैं पूरे एग्जाम का एक्सपीरियंस है क्वेश्चन वाइज, वो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं बल्कि निवेदन करता हूं कि आप इस आईडी पे भेजिए और मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको फीडबैक देने की कोशिश करूंगा कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, और ये शायद एनालिसिस आपके टायर 2 में हेल्प करेगा, और इसके आधार पे हम बाकी स्टूडेंट को भी टायर 2 की स्ट्रेटजी और बाकी जो एग्जाम होंगे 27 तारीख 28 तारीख 10 तारीख 11 तारीख उन सब एग्जाम में हम शेयर कर पाएंगे कि पैटर्न क्या चल रहा है एग्जाम में, लेवल क्या चल रहा है एग्जाम में, किस तरह स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, टायर 2 की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इनफैक्ट दिस वुड बी द इनपुट्स फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन आर्ट कट ऑफ टायर 2 टायर 3 प्रिपरेशन है, ये सारे फीडबैक इसके आधार पे बनाने में हेल्प लेगी। आप बोल सकते हैं कि आप हमारी रिसर्च में मदद कर रहे हो, हम आपकी प्रिपरेशन पे मदद कर रहे हैं, विन विन सिचुएशन होगी, इसलिए आप इस पे कॉल अपना जो विचार है क्वेश्चन है कौन से क्वेश्चन है एग्जाम में, इस ईमेल आईडी जो कि मेरी पर्सनल आईडी है dhakabaljeet@gmail.com dhakabaljeet@gmail.com या मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए और शेयर कर सकते हैं बात, या इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है वहां पे कॉन्टैक्ट है उसमें भी आप अपनी राय रख सकते हैं। ये सारी चीज करने के बाद हम टायर 2 टायर 3 है उसकी स्ट्रेटजी बहुत जल्दी ही
डिवाइस करने वाले हैं। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, जो टायर वन 2016 में अपीयर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।